अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लॉलीवुड शबीज़ में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 2021 के आगाज़ में ही खुशियों के चर्चे शुरू हो गए हैं। निदा यासिर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और वो बहुत ही खुशी से अपनी सालगिरह को मना रही हैं। हम आपको इस वीडियो में तमाम तर सेलिब्रिटीज़ की तस्वीर दिखाएंगे कि उन्होंने कैसे निदा यासिर की बर्थडे को एंजॉय किया और क्या क्या पैगाम दिए निदा यासिर के लिए, जिसको सुनकर निदा यासिर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हैं। तो हम आपको दिखाएंगे तमाम तर वीडियोस, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस बर्थडे में आप निदा यासिर को देख सकती हैं कि वो कितनी खूबसूरत और जवान दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ उनके बच्चों को भी देख सकते हैं और यासिर नवाज़ उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो निदा यासिर की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यासिर नवाज़ ने इन्हें बर्थडे का सरप्राइज़ दिया है, जिसको देख कर निदा यासिर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वहाँ पर उन्होंने साथ ही साथ तमाम तरह सेलिब्रिटीज़ को बुलाया हुआ था। उसके अंदर शामिल थी अहमद खान, यासिर नवाज़, यासिर, इकरा, आयमा बेग, फैसल कुरैशी और साथ ही साथ आप फैसल कुरैशी के बेटे को देख सकते हैं कि सब के सब लोग फैसल कुरैशी के बेटे को कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और उसके साथ खूब खेल मस्ती भी कर रहे हैं। उनका बेटा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करने लग गए। आप इन तमाम वीडियोस में देख सकते हैं कि सब के सब कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और जवेरिया सऊद भी उसमें शामिल थी। और जब जवेरिया सऊद से पूछा गया कि आप यासिर के लिए, यानी कि निदा यासिर के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं, तो उनका कहना था कि वो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं और अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।